में दाहिने चलेगा, दाहिने बट जिन्होंने रीत चलाई है यहाँ पर लंगर की, स्वामी जी महाराज का दिल की गहराइयों से
शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वामी जी महाराज से यही कहूंगा अपना आशीर्वाद रखें तो आने वाले टाइम में हम भगवान की कृपा आपकी कृपा से जितना हो सके उससे बढ़कर ही करेंगे। जय हो स्वामी जी महाराज। आपको मेरा नमस्कार। मुझे आप सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारी सालाना श्री गुरुनाथ जी की यात्रा सफल हुई और बहुत धूमधाम से हुई। और इसमें मैं पुलिस जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहे बी एच पी और बी डी की या दशम पाड़ा की या श्री गुरुनाथ जी ट्रस्ट की और जो कांग्रेस वॉलेंटियर्स जिन्होंने सेवा भाव से सारे यात्री श्रद्धालु उनकी सेवा की उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इन तरह की परंपराए जो श्री गुरुनाथ जी की यात्रा है ये हमारे जिला पुंछ की और जम्मू कश्मीर की एक तारीखी कल्चरल हेरिटेज है और इस परंपरा को बनाए रखना और उसको प्रमोट करना ये हम सबका उत्तरदायित्व है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश रही कि हम इस साल की यात्रा धूमधाम से काफी बैठ थे लेकिन अगर कुछ कभी रहेंगे उस पानी की तो माफी चाहूंगा। और हमारी निरंतर ये प्रयास रहेगा कि आने वाले सालों में हम इस यात्रा के तहत यात्रा के लिए मुख्य सहूलियात और अच्छे तरीके से बढ़ाते रहें ताकि उनका अनुभव बेहतर हो। और ये इस यात्रा से हमारे पूंछ जिले की छवि पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। मैं एक बार सब एक बार से सबको धन्यवाद करता हूँ और जय हिंद। आज जो है छड़ी यात्रा का जो उत्सव चल रहा था जो कि श्रावण मास के साथ में ही समाप्ति होती है तो प्राचीन पहले की परंपरा महापुरुषों की जो चली आ रही है और वैसे भी शास्त्रों में श्रावण मास के बड़ी भगवान शिव की वैदिक लोग जो हैं विद्वान लोग जो हैं पूजा करते हैं तो उसी के साथ में अंत में श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ से छड़ी यात्रा श्री बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए 3 दिन पहले जो प्रस्थान हुआ था आज यहाँ पर कल श्री बूढ़ा अमरनाथ में हवन यज्ञ के साथ ध्वजारोहण करके अंतिम पूर्ण होती वहाँ पर हुई और सुबेरे श्री बूढ़ा अमरनाथ जी वहाँ से लेकर अभी छड़ी यात्रा यहाँ पहुँची है श्री दशनामी खड़ा पुंछ में यहाँ पर स्थापित की जाएगी और इसी के साथ छड़ी महाउत्सव समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद शुभकामनाएं। तरफ से किस तरीके के बंदोबस्त रहे पूरी यात्रा में मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ को हो हर प्रकार के कोऑपरेटिव बड़ी मेन चीज़ होती है कि वस्तु चीज़ों से नहीं चाहिए होता है एम्प्लाइज का कोऑपरेट करना पब्लिक के साथ कमेटी मेंबरों के साथ वो मेन चीज़ होती है। वो इस प्रकार इस बार ऐसा आपसी तालमेल रहा कि मैंने पहले कभी ऐसा तालमेल देखा नहीं कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल सारी चीज़ को समझ तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कोऑपरेट किया पब्लिक को भी कमेटी मेंबरों को भी और सभी लोगों को भी बहुत अच्छा यात्रियों को भी लगा है। सब यात्री कहते गए हैं कि बहुत अच्छा इस प्रकार प्रबंध था तो बहुत अच्छा प्रशासनिक कार्य। बोल स्वामी जी महाराज की जय।